लव के लिए कुछ भी करेगा, यह गाना तो आपने सुना ही होगा। अब उत्तर प्रदेश के भदोही में ऐसा ही अजब गजब मामला सामने आया है। यहाँ एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए इस कदर बेचैन हुआ कि वो दुल्हन बनकर उसके घर पहुँच गया। वो महिलाओं के बीच बैठा था, इसी दौरान किसी को शक हो गया। महिलाओं ने उसका घूंघट हटाया तो उसके नकली बाल जमीन पर गिर गए। फिर क्या था, हंगामा हो गया, उसकी महिलाओं ने पिटाई कर दी। इस बीच मौका पाकर वो फरार हो गया। महिला बंकर पहुंचे युवक ने एकदम नई नवेली दुल्हन की तरह श्रृंगार किया था। उसने लहंगा पहनकर नकली बाल भी लगाए थे। चर्चा है कि युवक शादी वाले घर में अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए पहुंचा था। यह पूरा मामला गोपीगंज कस्बे का है। यहां एक लड़की की 31 मई को शादी थी। 1 जून की सुबह दुल्हन की विदाई हुई। विदाई के बाद परिवार की महिलाएं एक जगह बैठी थी। इसी बीच एक युवक लाल जोड़े में महिलाओं के कपड़े पहनकर घूंघट डाले हुए उन महिलाओं के बीच में जाकर बैठ गया। उस वक्त किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ देर बाद उसके हाव भाव देखकर महिलाओं को शक हुआ। महिलाओं ने कहा, एक दुल्हन तो विदा हो गई, दूसरी कहां से आ गई। हंसी ठिठोली के बीच महिलाओं ने उससे परिचय पूछा तो उसने महिलाओं के अंदाज में बोलना शुरू कर दिया। महिलाओं ने घूंघट हटाने के लिए कहा तो वो आनाकानी करने लगा। पकड़े जाने के बाद भी उसने महिलाओं की आवाज निकालकर भ्रमित करने की कोशिश की। इस दौरान उसकी पिटाई भी की गई। लोग पुलिस को सूचना देने ही वाले थे कि तभी बाइक से 2 युवक पहुंचे और वो दौड़कर बाइक पर बैठकर मौके से भाग गया। तब से युवक का कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है। इलाके में चर्चा है कि जिस घर में शादी थी उसी घर में युवक की प्रेमिका भी आई हुई थी। शादी के चलते घर में भीड़ थी। ऐसे में युवक को लगा कि दुल्हन बनकर वहां जाने से उसे कोई पकड़ नहीं पाएगा। हालांकि उसका यह नाटक कुछ ही देर चल पाया। हालांकि परिजनों ने इस मामले की शिकायत पुलिस से नहीं की है। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क। अपने आसपास होने वाले क्राइम से सजग रहने और क्राइम वीडियो देखने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर, और अगर आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए ताकि हर क्राइम से आप रहें जागरूक।